प्रिय छात्रों नमस्कार। आओ त्रिकोणमिति सीखें श्रृंखला के अंतर्गत आज ये 13वां वीडियो है। आज हम आपको एक प्रश्न सिद्ध कर दिखला रहे हैं। आज का प्रश्न है सिद्ध करो साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। हमें सिद्ध करना है एल एच एस में लिखी हुई इस व्यंजक का मान 2 के बराबर है। इस प्रश्न को हम एल एच एस से सिद्ध करेंगे। जब हम एल एच एस से सिद्ध करना होता है तो सबसे पहले हम एल एच एस लिखते हैं और एल एच एस में जो व्यंजक दिया होता है वह वैसा का वैसा उतार लेते हैं। तो हम लिखेंगे एल एच एस साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। अब नियमों के आधार पर, सूत्रों के आधार पर, सर्व समीकरणों के आधार पर इस व्यंजक को हल करते चले जाएंगे और अंत में इसका मान 2 के बराबर आ जाएगा। तो देखिए, आपने बीजगणित में एक सर्व समीकरण पढ़ी थी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारा ए का काम कर रहा है और ये बी का काम कर रहा है, तो इसका जब प्रसार करेंगे तो हमें फल प्राप्त होगा साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस बी कॉस ए। और इसी प्रकार से एक सर्वसम का बीज में आपने पढ़ी थी ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस समसमका के आधार पर साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर के स्थान पर आपको फल प्राप्त होगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए कॉस ए। तो इसके स्थान पर ये वाला फल और इसके स्थान पर ये वाला फल हम लिख देंगे। तो हम लिखेंगे बराबर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए। ये के स्थान पर ये फल आ गया, अब इसके स्थान पर ये वाला फल आएगा। तो लिखेंगे हम साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस। देखिए, एक सूत्र आपको बतलाया था हमने साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 के होता है, इसलिए इस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए के स्थान पर हम 1 ले सकते हैं और इस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए के स्थान पर हम 1 ले सकते हैं। क्लियर? तो हमने लिख दिया यहाँ पर 1 और यहाँ पर लिख दिया इसके स्थान पर प्लस 1। अब हम इन दो पदों के स्थान पर हमारा 1 ही लिख जाएगा, इस सूत्र के आधार पर इन दो पदों के स्थान पर ये लिख जाएगा। और ये वाला पद जो है ये जितनी राशि ये है बिल्कुल ठीक उतनी ही राशि ये है, केवल अंतर ये है ये राशि धनात्मक है और ये राशि ऋणात्मक है, इसलिए पद पर कैंसिल हो जाएगी। तो हमें फल प्राप्त होता है 1 + 1 और इन दोनों को जोड़ लेंगे तो फल प्राप्त हो गया 2, जितना हमें आर एच एस में लाया ना था। इस प्रकार से हम अंत में लिख देंगे बराबर आर एच एस और इस प्रकार से आपका ये प्रश्न हल हो जाता है। आप प्रश्नों को गंभीरता के साथ करिए, समझने का प्रयास कीजिए। मैं जो प्रश्न आपको ये सिद्ध करके दिखला रहा हूँ मैं उस क्रम में सिद्ध करके दिखला रहा हूँ, उस क्रम में मैंने प्रश्नों को चुना है जिस क्रम में मैं आपको आसानी से सिखा सकूँ और आप सरलता से आसानी से सीख सकें। आपको परीक्षा में ये लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये सर्वसमिकाएं ये सूत्र ये नियम तो आपको मौके के याद होना चाहिए, जिससे कि प्रश्न हल करते समय आप आसानी से हल कर सकें। परीक्षा में तो केवल आपको इतना भाग करना है, ये कुछ नहीं करना है, ना आपको परीक्षा में लिखने की आवश्यकता है इसको और ना करने की आवश्यकता है। आज का प्रश्न पूरा होता है। नमस्कार।